फरीदाबाद में इन दिनों तेजी से पैर पसार रहे चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया व वायरल बुखार से पीड़ित लोगों ने शहर के ही नहीं बल्कि गांवों में लगे पपीते के पेड़ों को भी नंगा कर दिया है। अफवाहों का शिकार हो रहे बुखार के मरीजों ने अब शहर में पपीतों के पेड़ों पर पत्ते ना होने के बाद गांवों की ओर रुख कर लिया है। चारों तरफ तरह तरह की अफवाहें फैल रही है कि केवल पपीते के पत्तों का सेवन करने से सभी प्रकार के बुखार ठीक हो जाएंगे, जबकि आयुष विभाग का मानना है कि पपीते के पत्ते ठीक है लेकिन इनके साथ दवा भी जरूरी है। आयुर्वेदिक चिकित्सा इसमें काफ़ी कारगर है। स्पेशली हम गिलोय का रस, गिलोय का क्वाथ, किसी भी फॉर्म में गिलोय जो है काफ़ी यूजफुल है। साथ में हमारे जैसे संशमनी वटी है, कुछ औषधियाँ आयुर्वेदिक औषधियाँ, संजीवनी वटी है, सुदर्शन धन वटी है, इनका भी काफ़ी अच्छा उपयोग है इसमें। चिकनगुनिया वाले पेशेंट्स में कुछ तो इसी से रिकवर कर जाते हैं जिसमें बाद में पेन रहता है, कुछ पेशेंट्स से पेन की कंप्लेंट रहती है, उसमें भी आयुर्वेद का काफ़ी अच्छा। शहर में इन दिनों सबसे ज़्यादा मांग है पपीते के पत्ते की, कितना सही है ये पपीते का पत्ता यूज़ करना इस पीपल में? पपीते के पत्ते को यूज़ कर सकते हैं पर अकेले इसके उस पर ठीक हो जाएगा ये नहीं कह सकते, दूसरी चीज़ें भी हमें साथ में पेशेंट के अकॉर्डिंग उसको देनी पड़ती है। कुछ लोगों ने एक अफवाह फैला रखी है कि पपीते के पत्ते खाने से ही सारी बीमारियां खत्म हो रही, चिकनगुनिया हो या डेंगू हो, अदर दवाई की जरूरत नहीं है, क्या ये सही है? नहीं, ऐसा अकेले पपीते पत्तों के बेस पे तो हम नहीं कर रहे हैं, ना ही हम अकेले सिर्फ कि पपीते के पत्ते से पेशेंट ठीक हो जाएगा ऐसा कुछ पेशेंट्स को नहीं है, और भी दवाई साथ में लेनी पड़ेगी। मेरा नाम दयावती जी, गाँव पलवली, 3 गाँव की सरपंच हूँ जी। मेरे यहाँ पेड़ लगे हुए हैं जिनमें डेंगू मच्छर, 2 पेड़ तो ख़त्म हो गए हैं, शहर वाले लेने के लिए आते हैं, घर पे आते हैं जी पत्ते लेने के लिए। तो कितने पेड़ लगे हुए थे आपके यहाँ पपीते? 3 पेड़ लगे हुए थे, एक रह रहा है। तो दो पेड़ों के पत्ते बिल्कुल ख़त्म हो गए? बिल्कुल ख़त्म। मेरा नाम ज्ञानचंद है, मैं अपने घरेलू सब्जी में पपीते के पेड़ तैयार करता हूँ। मेरे पास 3 पेड़ थे जिसमें कि सब इसमें डेंगू के लिए कुछ शहर से कुछ गांव से जिसने भी पता लगा वो यहाँ आए और उन पत्तों को ले गए, और ये खासकर देखा गया है कि ये इस बुखार की बीमारी में बहुत कामयाब है।